हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस पंकज एंड यू आर वाचिंग रिव्यू आर्टिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बात महिंद्रा TUV300 की, और आज हमारे पास है T6 वेरिएंट। सो गाइस, हम आ चुके हैं महिंद्रा TUV300 में। इसका जो इंजन है वो है 1.5 लीटर का, जो प्रोड्यूस करता है 84 BHP की पावर। साथ में आपको मिलेगा 230 Nm का टॉर्क, और जो कंपनी जो एफिशिएंसी इसके लिए क्लेम करती है वो करती है 18.5 km/L की। तो अब चलते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव देखते हैं, गाड़ी किसके चलती है। सो गाइस, इस गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और आपको जो पूरा बोनट इजीली विजिबल होता है। और गाइस, गाड़ी जो है वो चलने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और इसका जो पिकअप है बिल्कुल मतलब क्विक पकड़ती गाड़ी और इसको अगर आप 2000 RPM से ऊपर जाते हैं तो एकदम इसका जो टर्बो है वो ऑन हो जाता है। सो गाइस, इसमें जो आपको स्टीरिंग व्हील मिलता है वो मिलता है हाइड्रोलिक, जो मतलब काफ़ी अच्छा है लॉन्ग स्पीड्स में, क्योंकि सो गाइस, इसका जो स्टीरिंग व्हील है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। इसको टेलीस्कोपिक यहाँ मिल जाएगा, आपको रेक एंड डिस्क ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो इसका जो गियर है और जो उसका थ्रो है गियर का, वो काफ़ी यार लॉन्ग है। मतलब अगर इस गाड़ी को आप हाई स्पीड में ले आएंगे तो आपको शायद जो बॉडी रोल है वो महसूस हो सकता है, क्योंकि इस गाड़ी की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और साथ में इसका जो ड्राइविंग पोजीशन है आपको काफ़ी ज़्यादा अप मिले। इस गाड़ी को जो ड्राइव सिस्टम है वो आपको दिया गया है रियर व्हील ड्राइव, और इसमें आपको लेडर ऑन फ्रेम चेसिस मिलेगी, जिससे क्या होता है कि जो ऑफरोडिंग जो एबिलिटीज़ हैं गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं, जो आप देखेंगे महिंद्रा वंदर जो गाड़ी आती है, बुलेरो हो गई, थार हो गई, उस हिसाब से। और इस गाड़ी में आपको मिलेगा 1.5 लीटर का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 84 BHP की पावर। साथ में आपको 230 Nm का टॉर्क मिलेगा, और साथ में इस गाड़ी को चलाने में काफ़ी अच्छा लगता है। जो बोनट है वो पूरा आपको विजिबल होता है इजीली। अगर हम बात करें इसके एक्सीलेटर की, तो एक्सीलेशन काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। आपको मतलब मान लीजिए कहीं हाईवे पे हैं तो आपको डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर हम बात करें इसके ब्रेक्स की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, ब्रेकिंग जो है वो ठीक ठाक आपको इसमें मिल जाती है, और इसका जो क्लच है वो भी लाइट है, जिससे आपको जो सिटी मेन्यूवर आप जो गाड़ी को सिटी में चलाएंगे तो कोई आपको ज़्यादा खास दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस, अभी ये जो गाड़ी है ये 1,16,000 किलोमीटर चल गई है, फिर भी गाड़ी में ऐसा कोई इशू नहीं है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा इजी चल रही है, बिल्कुल मतलब लाइट चल रही है, ऐसा कोई लग ही नहीं रहा कि गाड़ी 1,000 किलोमीटर चल गई है। तो मतलब पहले जो महिंद्रा की क्वालिटी आती थी उससे ज़्यादा गाड़ी जो की जो क्वालिटी अभी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। और अगर हम बात करें इसके फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स की, तो फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको अब काफ़ी अच्छी मिल गई है पहले से। इसको अगर आप हाईवे पे चलाएंगे तो आपको 16-17 की जो एफिशिएंसी है वो आराम से मिल जाएगी। सो गाइस, इसमें आपको एक अच्छा फीचर्स आपको ये भी मिलता है गाड़ी में, कि इसमें आपको मिलेगा इकोनॉमी मोड, जिसमें आपको क्या होती है जो पावर है थोड़ी बहुत आपकी कट हो जाती है, जिससे आपकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको आप इफेक्ट आप हाईवे में बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके एसी की, तो एसी की इसमें आपको फ्रंट में एसी मिलेगा, रियर में कोई एसी नहीं दिया गया है, लेकिन जो फ्रंट एसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और गाड़ी को विद इन फ्यू मिनट्स आपको चिल कर देते हैं पूरी गाड़ी को। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगाओ, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। ओए उड़ा उड़ा इसको, उड़ा रहा है।